ओके जी, पिज्जा डो बनाने के लिए मैंने खुला बर्तन ले लिया है, आप चाहें तो आप बाउल भी ले सकते हैं। इसमें मैं डालूंगी इस कप, ये कप स्टैंडर्ड कप साइज लेना है आपने, ये कप, 2 कप्स मैदा, सेकेंड कप इज दिस, 2 कप इसमें मैदा डाल दें। मैदा डालने के बाद आपने इसमें 1 टीस्पून, ये साइज का टीस्पून ले लेना है, 1 टीस्पून आपने इसमें डालना है, और 1/2 टीस्पून इसमें आपने ऐड कर देना है नमक। अच्छा जी, मामा मामा करता आ गया था मेरा बेटा, मैं उसको दोबारा लेटा कर आई हूँ। इसमें क्या डाला है, 2 कप मैदा, 1/2 टीस्पून नमक। अब इसमें डालेंगे 1/2 से 1 टीस्पून चीनी, चीनी डाल दी। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 से 1 टीस्पून यीस्ट। अगर आपके पास इंस्टेंट यीस्ट नहीं है इस तरह की तो कोई मसला नहीं है, आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं। ये 1/2 से 1 टीस्पून ले ली है यीस्ट, ये ऐड कर देनी है आपने इसमें, अपने मटेरियल में। इसको एक दफा मिक्स कर लें। इसको मिक्स करके आपने इसमें डालना है तकरीबन 4 टीस्पून के जितना ऑयल, आप 3 भी डाल सकते हैं, इट्स अप टू योर कंसिस्टेंसी। आपने कितनी कितनी क्वांटिटी ली है चीज़ों की, उतना आपने ऑयल डालना है। मैं तकरीबन 1 से 2 टीस्पून के जितना इसमें ऑयल ऐड करूंगी, दैट्स इट। इसको मिक्स कर लें। प्रॉपरली मिक्स किया, उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रेजुअली हॉट वाटर, गर्म पानी। पहले थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, गर्म पानी करके पास रख लें, थोड़ा सा पहले ऐड करें इसका, इसको गूंदे, उसके बाद अगर आपको जरूरत है तो फिर थोड़ा सा और ऐड कीजिएगा। इस तरह से गर्म पानी अपने पास रख लें, अभी इसको गूंदना शुरू करेंगे। सारी डो को मैंने गूंथ लिया है अच्छे तरीके से, इसको थोड़ी देर तक मुक्कियां देते रहना है, मुक्कियां मुक्कियां, जैसे आप दूसरा आटा गूंथते हैं अपना रूटीन वाला। अगर हाथ आपके चिपकेंगे तो आपने थोड़ा सा कुछ मैदा लेकर अपने हाथों पे लगा लेना है, फिर आपके हाथ नहीं चिपकेंगे इसके साथ, कोई मसले वाली बात नहीं है। या ऑयल लगा लेना है, कुछ मैदा लगा लेना है, तो ये डो भी आपको नहीं चिपकेगी और गूंथ दी जाएगी। देखिए अब इसकी बॉल बन गई है। अब आपने इसको किसी कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में आपने इसको रखना है, और 2 से 3 घंटे 4 घंटे के लिए इसको रख देंगे, तो ये अपने से डबल साइज में आ जाएगी, फिर हम इसका पिज्जा तैयार करेंगे। जी अब ये देखें, इसकी डो बॉल तैयार हो गई है डो की, ये देखें। अब इसको आपने रखना है एयर टाइट कंटेनर में तकरीबन 2 से 3 या 4 घंटे में, आप इसको 2 घंटे बाद चेक करते रहेगा। अगर इसका डबल साइज हो गया है तो ये रेडी हो जाएगी तकरीबन अपने अपना पिज्जा बनने के लिए। उसके बाद हम इससे पिज्जा बनाएंगे और फिर वो भी आपसे शेयर करेंगे। जी मैंने इस तरह का कंटेनर लिया है, इसको आपने प्रॉपरली ऑयल लगा लेना है, जहां तक आपकी डो को रखना है आपने उस जगह पर ऑयल कर लेना है। अगर ब्रश है ब्रश से कर लें, नहीं तो हाथ से कर लें। ऑयल कर लिया, अब हमने अपनी डो को इसमें रखना है। डो को इसमें मैंने रखा और इसको ऊपर से बंद कर देना है आपने, इस तरह से बंद कर देना है, दैट्स इट। अब इसको आपने रख देना है तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। तो ये देखिए मैंने सारी चीज जो स्लाइस थे चीज के, इसी तरह से इनको श्रेडेड चीज में कन्वर्ट कर लिया है। ये बहुत ही बारीक है, और जो मोटे साइडों से आपसे गिर जाएंगे, मोटे रह जाएंगे, उनको दोबारा लेकर आपने एक दफा कन्वर्ट कर लेना है श्रेडेड में। ये थोड़े थोड़े मोटे पीसेस मेरे पास बचे हैं, इनको मैं दोबारा पकड़ूंगी और दोबारा बारीक कर लूंगी। जितनी ज्यादा अच्छी बारीक चीज ऊपर डालेंगे ना आप, श्रेडेड चीज डालेंगे, उतना ही अच्छा लुक में पिज्जा लगता है आपका, ठीक है। ये देखिए अभी सारी बारीक हो गई है, इसको आपने डाल दिया बीच में। कोई मोटे पीसेस रह गए उनको दोबारा लेके दोबारा इसके ऊपर क्रश कर लें हाथों से। अगर आप क्रश करेंगे सिर्फ हाथों से तो इतना अच्छा नहीं होता, अगर आप ये यूज कर लेंगे तो इससे बहुत अच्छी श्रेडेड चीज तैयार हो जाती है। ये देखें बहुत ही बारीक बहुत ही फाइन श्रेडेड चीज रेडी हो गई है पिज्जा पे डालने के लिए। अब मैं आपको सिखाऊंगी पिज्जा सॉस बनाना। रेडी करने लगी हूँ मैं अपने टिक्का पिज्जा के लिए। इसमें डालना है आपने ऑयल, ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो फिर इसमें हम डालेंगे अपना साफ किया हुआ क्यूब्स की फॉर्म में कटा हुआ चिकन। चिकन ऐड कर दिया, चिकन ऐड करके मैं इसमें डालूंगी चिकन टिक्का। अगर आपके पास चिकन टिक्का नहीं है, घर के मसाले डालें, नमक डालें, मिर्चें डालें, सूखा धनिया डालें, जीरा डालें। चिकन टिक्का डाल दिया इसमें मैंने, इसमें डालूंगी मैं ऑरिगेनो, ऑरिगेनो ग्राउंडेड पाउडर। पाउडर्ड ऑरिगेनो डाल दिया थोड़ा सा। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा मैं 1 टेबल स्पून सिरका डालूंगी, तो ये वाला सिरका, ये वाला नेशनल का सिरका, मैं यूज करूँ, सिरका डाल देंगे आप, एंड दैट्स इट। टिक्का मसाला आपने इसी मसाले के साथ बनाना है, इसको आपने अच्छे तरीके से कुक कर लेना है। अगर आपके पास टिक्का मसाला पैकेट वाला नहीं है तो नमक डालें, मिर्चें डालें, बड़ा मिर्च डालें, सूखा धनिया पाउडर डालें इसमें और जीरा डालें, और आपका टिक्का मसाला रेडी हो जाएगा। और आपने इसको सिरका डाल के और ऑरिगैनो ग्राउंडेड डाल के आपने इसको कुक कर लेना है अच्छे तरीके से, इसका कलर चेंज हो जाएगा, ये रोस्ट हो जाएगा, फिर हम इसको पिज्जा पे डालेंगे। चिकन का कलर चेंज होने लग गया है, ये देखें चिकन फ्राई हो रहा है प्रॉपर्ली इसमें।
अभी मैंने इसमें पानी कोई ऐड नहीं किया, चिकन अपना पानी छोड़ा हुआ है। अब इसी में इसको कुक करेंगे और फिर अब 1 से 2 मिनट इसको हो गया ऐसे कुक होता है। अब मैं इसके ऊपर लिख दे दूंगी और इसको गलने जी। तो पिज्जा के लिए चिकन रेडी हो चुका है, देखिए इसमें ऑयल प्रॉपरली ड्राई हो गया है, पानी प्रॉपरली ड्राई हो गया है। अब ये रेडी है पिज्जा को लगने के लिए, पिज्जा पे लगने के लिए। इसके आप छोटे छोटे पीसेस कर लें, चाहे आप इसी साइज के पीसेस को यूज कर लें आप, ये बिल्कुल डन है। इसमें थोड़ा सा स्पाइस कम था तो मैंने इसमें धड़ा मिर्च जो होती है चिली फ्लेक्स वो मैंने थोड़े से ऐड किए ताकि इसमें स्पाइस अच्छा आ जाए। पिज्जा सॉस उसके लिए मैं लूंगी 1 to 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को गर्म होने दें थोड़ा सा, पैन ऑलरेडी गर्म है तो ऑयल जल्दी गर्म हो जाता है। इसमें मैं ऐड करूंगी छोटा कटा हुआ प्याज, इसको थोड़ा सा आपने फ्राई कर लेना है, लो फ्लेम रखिएगा, इसमें ज्यादा तेज फ्लेम नहीं करनी आपने। अच्छा पिज्जा सॉस बनाने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं इसमें अपना मेथड यूज कर रही हूँ जिस मेथड से मैं बनाती हूँ। अगर आप कोई चीजें ऐड करना चाहें, स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी इस मेथड से बहुत मजे की, बहुत यमी पिज्जा सॉस घर में ही तैयार हो जाती है, मुझे बाजार की एक्सपेंसिव पिज्जा सॉस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये हो गया, अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ 1 टीस्पून गार्लिक चॉप किया हुआ, ये मैंने हाथ से चॉप किया हुआ, जिंजर नहीं है इसमें, सिर्फ गार्लिक हम ऐड करेंगे। गार्लिक पेस्ट है वो थोड़ा सा कुक हो जाएगा। आपने इसमें ऐड करनी है चिली सॉस, आप टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आपने जो भी चिली सॉस ऐड करनी है या आप टमाटो प्यूरी ऐड कर लें। मैं इसमें चिली गार्लिक डाल रही हूँ, मुझे ये पसंद है, मुझे ज्यादा स्पाइस पसंद है, इस वजह से मैंने इसमें डाला है चिली गार्लिक। इसको आप मिक्स कर लें। अब इसमें डालेंगे हम अपने मसाले, मसालों में मैं इसमें डालूंगी बिल्कुल थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक ऑलरेडी मैं और चीजों में भी डाल चुकी हूँ तो फिर ज्यादा हो जाता है। थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी काली मिर्च डालेंगे। आपने जितनी पिज्जा सॉस बनानी है उसके मुताबिक अपने मसाले डालने हैं। कुटा हुआ धनिया थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी विनीगर, ये वाला विनीगर मैं ऐड करने जा रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन 1 टेबलस्पून विनीगर डाल दिया मैंने, और 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस ऐड करूंगी मैं इसमें, एंड दैट्स इट। थोड़ा सा ऑरिगैनो लीव्स डाल दें और फिर इसको आपने कुक करना है। फ्लेम थोड़ी लो रखिएगा इसको कुक करते हुए। थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूंगी, पानी ऐड करके मैं इसको कुक करूंगी जितनी कंसिस्टेंसी मुझे चाहिए सॉस की तब तक के लिए, और इसमें सारा कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक मैं इसको कुक करूंगी। पानी ऐड करते हैं इसमें थोड़ा सा, ये मैं पानी ऐड कर रही हूं इसमें। अब इसको कुक होने के लिए रख देंगे, 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे इसकी क्या कंसिस्टेंसी है, अगर पानी और ऐड करना हुआ तो थोड़ा सा पानी मैं और ऐड करूंगी। चलें जी अब हम असेंबलिंग करेंगे। असेंबलिंग के लिए आपके पास पिज्जा पैन होना चाहिए, पिज्जा पैन नहीं है तो कोई मतलब मसला नहीं है, कोई भी डिश ले लें जो बेक फ्री होगी। अच्छा साथ में आपको चाहिए डो, यहाँ पर श्रेडेड चीज ये भी मैंने बता दिया कैसे श्रेड होनी है, पिज्जा सॉस ये भी बता दिया कैसे बननी है, यहाँ पर है अनियन और कैप्सिकम काटा हुआ, और ये है टिक्का पीसेस ये भी मैंने आपको बता दी कैसे बनेंगे। तो अब हम बनाएंगे अपना पिज्जा। सबसे पहले हमने पैन में ऑयल लगा लिया, इसको अच्छे तरीके से साइडों से और सेंटर से ऑयल को स्प्रेड करेंगे, ऑयल स्प्रेड हो गया, अपनी डो लेंगे। हाथों को मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लूंगी ताकि ये इजीली स्प्रेड हो जाए, इसको प्रॉपरली स्प्रेड करें साइड्स पे। पिज्जा सारा स्प्रेड हो, सारी स्प्रेड हो गई है पैन के अंदर, अब आप फोक लेंगे और इसमें सारे में सुराख कर देंगे, सुराख कर दिए, सुराख करके मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी पिज्जा सॉस। अच्छा पतीला मैंने पहले ही, जैसे मैं इसकी बाइंडिंग कर रही हूँ सारी पिज्जा की, तो पतीला मैंने प्री हीट के लिए पहले ही रख दिया है। मुझे थोड़ी ज्यादा सॉस पसंद है, आप अपनी मर्जी से जितनी क्वांटिटी आप ऐड करना चाहें आप कर लीजिएगा। पिज्जा सॉस ऐड कर दी, अब इसमें मैं चिकन क्यूब्स ऐड करूंगी, मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, इसमें चिकन अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लेना है आपने। चिकन स्प्रेड करने के बाद मैं इस पे ऐड करूंगी चीज, थोड़ी सी चीज ऐड करके मैं इसमें ऐड करूंगी वेजिटेबल्स, कैप्सिकम है मेरे पास, अनियन है, आपके पास जो वेजिटेबल्स हैं आप वो ऐड कर दें। उसके बाद मैं दोबारा इस पे ऐड करूंगी चिकन,
जिस तरह की टॉपिंग आप करना चाहते हैं, एक्सेस चीज डालनी है चीज डाल लें, आपने कॉर्न डालनी है, आपने ऑलिव्स डालने हैं, इट्स अप टू यू, आप वो चीजें इसमें ऐड करें। अब मैं इसमें दोबारा से चीज ऐड करूंगी, और चीज ऐड कर दिया मैंने इसमें, फुल ऑफ लोडेड है चीज से, वेजेस से, चिकन से, थोड़ी सी और वेजेस ऐड करेंगे ऊपर, एंड हियर वी गो, आपका पिज्जा रेडी है बेक होने के लिए। देख लें इसको, दो भी रेडी है और उसके ऊपर टॉपिंग्स भी सारी मैंने लगा दी हैं। तो बर्तन मैंने ले लिया खुला बड़ा, जिसमें मेरा ये पूरा पिज्जा पैन आ सके, उसमें मैंने एक ये कटोरी छोटी सी स्टील की रख दी है। अगर आपके पास कोई स्टैंड है नेट वाला वो भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं केयरफुली इसको रखूंगी क्योंकि ये पहले से हीट हुआ हुआ है, प्री हीट है ये, इसको आपने पुट कर देना। पिज्जा मैंने इसके अंदर रख दिया है, ये पहले से प्री हीट था। अब मैं इसके ऊपर लिड लगा दूंगी और इसको 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर बेक होने दूंगी, फिर हम देखेंगे इसकी क्या कंडीशन है। 4 मिनट हो गए हैं इसमें पिज्जा को, देखें चीज मेल्ट हो रही है, नीचे से डो भी फूलना शुरू हो गई है, यानी इसमें प्रोसेस सही चल रहा है। यानी ये जो लोग पतीले में पिज्जा बेक करते हैं ये सक्सेसफुल मेथड है पिज्जा को बेक करने का। अच्छा, यहाँ पर मेरे लिड में एक छोटा सा सुराख था, तो अगर आपके पास आटा है आप आटा लगा ले, मैंने यहाँ पर टेप लगा दिया ताकि स्टीम अंदर से बाहर ना निकले, प्रॉपरली अंदर से पिज्जा कुक हो सके। ऑलमोस्ट पिज्जा बेक ही लग रहा है, साइड से डो इसकी बेक ही फील हो रही है। इसको 10 मिनट्स हो गए हैं अंदर, अब मैं इसको निकालने लगी हूँ और फिर इसको चेक करूंगी। और इसकी ऊपर से चीज कुक नहीं हुई है प्रॉपरली, इसलिए मैं इसको 1 से 2 मिनट माइक्रोवेव में रखूंगी ताकि ऊपर से प्रॉपरली कुक हो जाएगा। ओके जी, मैंने पिज्जा निकाल लिया है, तो ये देखें किसी भी चीज को कुछ भी नहीं है, ना मैंने इसमें पानी डाला था ना मैंने इसमें नमक डाला था, ये कटोरी पहले भी ऐसी ही थी और ये कढ़ाई भी पहले ऐसी ही थी, किसी भी चीज को कुछ भी नहीं हुआ है। लोग कहते हैं जी बर्तन खराब हो जाते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। जी पिज्जा ओवन से बाहर आ गया है, मैंने एक स्लाइस पीस का निकाल लिया है, ये देखें बहुत ही यमी डिलीशियस पिज्जा रेडी है। मैं इसकी आपको डो चेक करवाती हूँ कि डो इसकी प्रॉपरली कुक्ड है। इस तरह आप डो उठा के नीचे से देख सकते हैं कि डो कुक्ड है और पिज्जा रेडी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, ये मेरी फर्स्ट एवर पिज्जा बेकिंग थी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।